अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नंदन कुछ भी बदल सकता है ओके? और अभी के लिए तुम ये टैक्सी छोड़ रही हो और वापस मेरे साथ चल रही हो। चल को नंदन प्लीज, बच्चों की तरह जिद करना बंद करो, हमारी बात समझो। हम हमेशा के लिए कहाँ जा रहे हैं? बस सुल्तानगंज ही तो जा रहे हैं, और फिर कल जब नंदिनी की शादी हो जाएगी तो विदा होकर भी तो वो हमारे ही घर आएगी ना, हमारी भाभी बनकर। और फिर ये रिश्ता भी तो बचा रहेगा ना, बस इसलिए हमने बड़ी माँ की दीवी सजा स्वीकार की है, और कुछ भी नहीं। सजा? जब तुमने कोई गलती ही नहीं की हो तो सजा किस बात की है? सजा को चुपचाप स्वीकार कर लेने से गलत सही नहीं हो जाता सुमन, ओके? बताना पड़ता है लोगों को कि गलत क्या है सही क्या है, और ये मैं बताऊंगा, तुम चलो कमा। नंदन प्लीज हमारी बात समझो, नंदन प्लीज। वक्त के साथ सही गलत सबके सामने आ जाएगा, लेकिन इस समय सुरभि माँ के विश्वास पर सवाल उठा है, उनका स्वाभिमान दांव पर लगा है, जिसे हम किसी भी कीमत पर सवालों के घेरे में खड़े नहीं होने देंगे। उन्होंने हम पर विश्वास कर बड़ी माँ की शर्त को मंजूरी दी है, और अगर अब सुरभि माँ के स्वाभिमान का अपमान हुआ तो पूरे राय बहादुर खानदान की इज्जत दांव पर लग जाएगी, और उसके कारण होंगे हम। नंदन, क्या तुम ऐसी लड़की से प्यार कर पाओगे जिसकी वजह से राय बहादुर खानदान का मान सम्मान दांव पर लग जाए? सुनो, जल्दी मिलेंगे। हमारे भाई के साली साहब, भैया इस गली में मोड़ लीजिए उस कार के पीछे। अंशुमन जी कहाँ चले गए? कहीं वो रेड लाइट एरिया में तो नहीं चले गए? नहीं, अगर वो वहां चले गए तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, हमें उनसे बात करनी होगी। भैया आप इनको जानते हैं? यहाँ कहीं आते जाते देखा हो? एक्सक्यूज मी, आपने कभी इस आदमी को देखा है यहाँ पर? ये तो जूली का कस्टमर है ना। अरे वो पान के दुकान के ऊपर वाला कोट है उसका। थैंक यू।
ए जूली, तुम्हारा वाला नहीं आया है का? ना, वो तो शादी का भोज खाने गया है। सुनिए, आप ही का नाम जूली है ना? जी, क्या काम है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। देखिए, आप इस आदमी को यानी सौरभ को जानती हैं? कौन ये? देखिए, मुझे पता है कि आप इसे जानती हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये आदमी मेरी बहन का हस्बैंड है और इसकी वजह से मेरी दूसरी बहन की शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जब मैं इसे जानती ही नहीं हूँ तो मदद कैसे करे? और वैसे भी ये जगह घर से टूटे लोगों को मोहब्बत देता है, टूटा घर जोड़ता नहीं है। आप जाइए यहाँ से। देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ यहाँ पर क्या होता है, लेकिन मुझे उन सबसे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है अपनी बहनों के घर से, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा ना, जाओ आप यहाँ से। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश। मेरा टाइम मत खराब कीजिए और जाइए यहाँ से। बाबूजी, हीरोगिरी कर रहे हो क्या? लड़की जब मना कर रही है तो निकलो यहाँ से। मुझे तुमसे नहीं, उनसे बात करनी है। पकड़े इसे। ए, मेरा हाथ छोड़ो। क्या कर रहा? हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। चलो निकलो यहाँ से, दिखना नहीं दोबारा। निकल लो पतली गली से। ये लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन उस लड़की के चेहरे का रंग बता रहा था कि वो सौरभ को जानती है। क्या करूं, टाइम बहुत कम है। कुछ ही घंटों में नंदिनी की शादी है, उससे पहले मुझे हर हाल में सारा सच सामने लाना होगा। तेरे को मना किया था, फिर भी तू नहीं माना। अभी मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ, समझा? जब बात दो बहनों की जिंदगी की हो तो ना को हाँ में बदलना ही पड़ता है। करो, इट्स एन इमरजेंसी केस। मैं जानता हूं इसे, ये भागलपुर के राय बहादुर जी का पोता अंशुमान है। हो गया कैमरा सेट। सुमन शादी को लाइव देखेगी हर एक एंगल से। कॉल करता हूं उसे। मैं जानता हूँ सुमन, तुम्हारा दिल टूटा है, तुम नाराज हो, इसलिए तुम यहाँ नहीं आए। बट डोंट वरी, शादी को लाइव देखोगे तुम। तुमने मुझे रोक लिया, वरना घर में सभी से बात करके कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकाल ही लिया होता मैं। खैर, बस नंदिनी की एक बार शादी हो जाए, उसके बाद मैं अपने प्यार के लिए पूरे परिवार को मनाऊंगा। एंड आई प्रॉमिस यू। नंदन, तुमने अंशुमन को कहीं देखा?
नहीं मैम, मैं तो मुंगेर गया था और वहां से लौटा हूँ, तब से पिक भी दिखाई नहीं रही। एक मिनट, मैं कॉल करता हूँ। क्या हुआ सुरभि जी, आप परेशान क्यों हैं? अंशुमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, फोन लगा रहे हैं उसे। उठाया फोन? नहीं मैम, पिक भी का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। जब से सौरभ का हंगामा हुआ है ना, तब से दिखाई नहीं दे रहा है। छोटके, हमारे दामाद जी का नाम बीच में लाने की जरूरत नहीं है। कहना है तो ही कहो कि जब से वो लड़की सुमन वाला कांड हुआ है ना, तब से ही घन चक्कर चल रहा है। सारे फसाद की जड़ वही लड़की है, लेकिन उसका नाम कोई नहीं लेगा, है ना? बड़ी माँ क्या कर रही हैं आप? निकाल तो दिया उसे घर से, अब क्या उसका जान ले लिया जाए? हर बात में सुमन को बीच में लाकर आप खड़ा कर देती है, समझ में नहीं आ रहा आपके दिमाग में चलता क्या है। अब बंद कर दीजिए अपना ये सब बकवास। यही सिखाया हमने तुमको? बड़ों से ऐसे बात की जाती है? माँ दो थप्पड़ और मारी है मुझे। गलत को गलत कहना और सही को सही कहना आप ही ने सिखाया है ना मुझे। बच्चा को थप्पड़ मार के क्या होगा छटके, तुम अपने आप को थप्पड़ मारो। इस घर में कभी ऐसा हुआ का है? परिवार के मान सम्मान पर सवाल खड़ा हो गया। और कब से हुआ? जब से वो लड़की सुमन इस घर में आई। और उस लड़की को एक घर में लाया कौन? तुम। बस बस बड़की बहू, हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती। ये सवाल खड़ा करने का टाइम नहीं है, जवाब ढूंढने का टाइम है। घर में बेटी की शादी है और घर का बड़ा बेटा गायब है, और तुम अभी भी मान सम्मान की बात किए जा रही हो। कुछ अक्कल है? जिलेश जी, जी, जी। जाकर पता लगाओ अंशुमन कहाँ है। जी। हे कृष्ण भगवान, मेरे अंशुमन की रक्षा करना। सुमन, क्या सोच रहे हो? कहते हैं लड़के को बारात के लिए विदा करते समय उसकी माँ उसे पगड़ी पहनाती है, उसे नई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार करती है, पर हमारी तो माँ ही नहीं है ना। तो क्या हुआ? जैसे कभी कभी आप हमारे पिता होने की भूमिका निभाते हैं, वैसे ही उस दिन हम आपकी माँ होने की भूमिका निभाएंगे। मतलब तुम हमारी माँ? सुमन, सुमन तुम भी तो नहीं होना सुनो माँ की भूमिका निभाने के लिए। कौन पहनाएगा ये पगड़ी हमारे सर पर? शिखर, शिखर बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। क्या? चल तो चल 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 चल, चल आ जा। सुमन, आंखों से काजल चुरा के लेके जाएंगे, देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। सुमन,
तू यहाँ कैसे? हमारे भाई की शादी है, माँ की भूमिका भी तो निभानी थी ना, हम कैसे नहीं आते? आपकी शादी में शामिल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। घूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऐसे कैसे पासा पलट गया? आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? हमको तो कई बार लगता है कि सुमनिया बहुत शातिर खिलाड़ी है। कि कैसी शादी है मेरी? आज मेरा कोई अपना ही नहीं है मेरे साथ, बस एक मैं ही हूँ, आईने में इधर भी और उधर भी। एक सुमन थी, उसे भी भगा दिया। आई मिस यू सुमन। लेकिन ये माँ कहाँ गायब है? सुबह से एक बार भी नहीं आई है मेरे पास। आखिर सब लोग है कहाँ? बिग बी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, सारा का काम अच्छे से होना चाहिए। ओके, अरे नहीं पता मुझे बिग बी कहाँ है। पर कहाँ है सब? ओके, मतलब तुझे भी नहीं पता कि सब के सब गायब हैं। राइट, अंशुमन भैया सुबह से गायब है, पर उसके बाद माँ, पापा, दादाजी, बड़ी माँ सब एक साथ गायब है। पता नहीं क्या चल रहा है। भाई सौरभ जीजू ने फिर से कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आरती दीदी आई थी तेरे पास? नहीं, आरती दीदी मुझे तैयार करने नहीं आई। ओके, आखिर हो क्या रहा है? चला जा, आरती दीदी से मिलते हैं। कम से अच्छा तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम तो है ना। वैसे सब लोग भी हैं, नीचे देखो। लेकिन ये भैया ऐसे? बिग बी को हुआ क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? दादाजी हैं? अब सब ठीक है, लेकिन इस बात के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज शादी है तुम्हारी, और अब तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी आ रही है शादी में। चलो जल्दी से स्माइल करो, नहीं तो शादी की सारी फोटोज में गोलगप्पे जैसा मुंह आएगा। अब शादी वाला घर है तो लगना भी तो चाहिए, क्यों नंदन? यस पीपी। चलो नंदनी, शादी का समय हो गया है, बहुत से विधि व्यवहार बाकी हैं। आरती, तो क्या तू? कैसे हुआ ये सब? सुना नहीं तुमने सुरभि माँ ने क्या कहा? इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं होगी। कितनी पंचायती है तुम्हें? सज धज क्यों रही हो? ये शादी तुम्हारी नहीं है, सो सजना धजना उतना ही कि किसी की नजर तुम पे ना पड़े। कोई और तुम्हें देखेगा तो हमको बुरा लगेगा ना बाबू।
समझी? क्या हुआ आरती? हाँ कुछ नहीं माँ, देखिए ना ये कैसे हमको डरा रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है हम किसी से डरते नहीं हैं। आरती तुम्हारी माँ विधवा है तो क्या हुआ? पूरा परिवार है तुम्हारे साथ, तुमको कभी भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जी माँ, मैं क्यों किसी से डरूंगी? जिसका हमारे जैसा पति हो उससे तो भगवान से भी डरने की जरूरत नहीं है। चुप! एकदम चुप! ऐसा है मेहमान जी, हमारे यहाँ ना दामाद को देवता मानते हैं, उसको मारते नहीं है। नहीं तो मन तो कर रहा दो थप्पड़ खींच के मारे आपको। ऐसा कर नहीं सकते ना हम, इसे एक बात कह रहे हैं उसको गांठ बांध लीजिए आप। देवता नहीं इंसान बनिए, उसके सुख के लिए उसकी खुशी के लिए दूर रखे अपने साए से, ताकि उसकी खुशियों को ग्रहण ना लग जाए हमारे साए से। अब अगर उसके सुख में कोई आ जाया ना मेहमान जी, हम बता देते हैं कि धरती को जला के राख कर देंगे हम। मुझे बूझे ना।